बट सॉरी सर, आई कांट सेल दिस प्रोडक्ट, इट्स टू कॉन्फिडेंशियल सर। ओके सर, आप ऑफिस पहुँचिए, मैं अभी वहाँ पर मिलता हूँ, वहाँ बात करते हैं। अनवर, आई एम सॉरी बेटा, उससे तुम्हें चोट भी लग सकती थी, करंट भी लग सकता था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बस एक छोटा सा रोबोट ही तो बना रहा था डैड। बनाना जो दिल करे बनाना। सबसे बड़ी गलती करी है हमने तुझे, गाली दिला के बाबूजी की 4 बीघा जमीन बेच दी, इतना तेल हम सब्जी में ना खा रहे जितना तेरी गाली खा रही है। जा रहा हूँ पापा मैं। हाँ हाँ जाओ ड्यूटी पे, बनंग मेरे लंड के रैपर। सॉरी सर, मेरी बस छूट गई है, मैं नहीं आ सकता। 5 मिनट में आ गया सर। तुझे हर बार कैसे पता चल जाता है मेरी बस छूटने का? अनवर, 100 रुपये दे दे यार पेट्रोल के लिए। पेट्रोल का जुगाड़ बिंजो ऐप से कर लेना। बिंजो? अबे बिंजो एक ऐप है जिस पर कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप और भी बहुत सारे 70+ गेम्स है जिन्हें खेलकर तू आराम से पैसे कमा सकता है। लेकिन वो जीते हुए पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे? बहुत आसानी से UPI और पेटीएम के थ्रू अपने वॉलेट में कर सकता है। इस पे एक बिंजो स्टोर भी है जहाँ से तू डोमिनोज और डिज्नी हॉटस्टार के आराम से वाउचर खरीद सकता है। बढ़िया यार ये तो। और सुन, इस पे तेरे जैसों के लिए ना एक स्पेशल वर्ल्ड वॉर टूर्नामेंट है जहाँ पर हारने पर भी पैसे जीत सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया यार, अभी डाउनलोड करता हूँ। अब तो बता दे यार क्या काम करती है तेरी कंपनी? माँ चुदाती है। अनवर, तू क्यों इतना चिड़चिड़ा रहता है? इतनी बढ़िया कंपनी है तेरी, इतनी बढ़िया जॉब है, इतना पढ़ा लिखा है तू, तू अपनी लाइफ से खुश है ना? एक और बात, तेरी से गल तेरे पापा से क्यों नहीं मिलती? ये तो अनवर का है, इसमें है क्या? साला रोज लेकर घूमता है इसे। और सुनो, 2 रैप सॉन्ग मेरे बेटे को मिलने चाहिए। अरे 3-4 गाने तो पहले हिट दे चुका है वो। अरे क्योंकि हमने सिखाया उसे रैप करना। राहुल मेरे बेटे, ये कैसे लगी? कुछ नहीं पापा। और ये कपड़े? बस ऐसे ही। अरे कोई डॉक्टर सत्तू को बुलाओ जल्दी। राहुल बेटे, आज तुम मेरे एक दोस्त की तरह लग रहे हो। पापा ये चश्मा हमें हमारे सन ने दिया था। पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटे। दादाजी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो हमारे बीच में नहीं है? बात 1959 की है जब अपना यह चमचमाता शहर एक बहुत पिछड़ा गांव हुआ करता था जिसमें ना लाइट थी, ना बड़े बड़े रोड थे, ना मोबाइल था, ना फेसबुक थी, पर हाँ चौपाले थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पुरुषोत्तम, कानिक रुको जरा। अरे थोड़ा जल्दी आओ, कदी मर गिल्लो की तरह आ रहे हो। अरे कल वाला काम निपटा लियो ना अपना। हाँ निपटाए लिए हैं। अरे कहाँ मसला है, काहे बिठाए आज की पंचायत? कदी कोनो बात हो, ये तो पंचायत के नाम पे शायरी का मैखाना खोल रखो। ये ससुरा क्या चीज ले आयो, पूरे गांव में दूर दूर तक ना है। सुनने में तो यारो ई का बाप ने जुतासी की जमीन बेच के युद्ध लायो। कुट्टू का रोला है, पूरा गांव आगे पीछे हो रो। कुट्टू मुबारक हो।
में लगा रखो है, पूरा गांव पंचायत में ढुल जाए, यहाँ का देख रहा। ठीका गुड्डू भैया, पता नहीं है गुड्डू भैया सेकंड हैंड न्यू साइकिल लाए। ए मुन्ने भैया, हम भी चल रहे हैं साथ। काहे? पंचायत में नहीं जा रहे आप? कभी देखे हो हमें पंचायत में? नहीं देखा तो नहीं है कभी। तो फिर काहे? अच्छा भैया तनिक दुधवा ले लीजिए हमारे पास से। कोनो जरूरत ना तुम्हारे दुधवा का, किसी गरीब का लड़का को देते हो? काहे बार बार हमसे दुधवा के लिए पूछते रहते हो? अरे आप सरपंच जी का लड़का है ना। तो क्या हुआ, हमारी खुद का एक पहचान है मुन्ना। ई भोसड़ी का अगर सरपंच का लड़का नहीं होता तो यही दुधवा बुला के इसकी गांव मार देते। ए भैया दुधवा है का? लंडवा है वाले होगा। देखा कबीरा, ई होता है कीमत चीज का जलवा। वो इतनी बड़ी पंचायत पर ई लड़का लोग तस से मस ना हो। छोटा का बोले गुड्डू। अरे जी कहाँ है? अरे जी आएगा? अरे अरे कोई चला भाई तो? अरे बचा लो। ये कहाँ था गुड्डू? आ चले देखें क्या है ये बबल। लंडवा दे गया हमारा, जलवा कम ना हो जाए ई लड़का लोग के सामने। कौन लड़का लोग? ई लड़का लोग। ई भोसड़िया के किधर गए? अरे हमारी लुगाई कह रही है उसने तुम्हें दी और शाम ढलते ही दी, वो भी उठा के। हम कह रहे हैं तुम्हारी लुगाई ने हमको ना ही दी, तुम हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आने दो सरपंच को, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। कहा दिक्कत है, कहा पंचायत बुलाए? सरपंच जी हमारे लुगाई ने जा मुरली को दई और ये इनकार कर रहे हो के ना दई। हे बोनले काहे लीवे, तुम्हारी लुगाई मर गई है का? हम दराती का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमको लगा उदी ससुरे कहाँ मर गए थे कोनो पता ना। आज पंचायत चल लो, और ये पूरा गांव कहाँ है पता ना, कौन सुनेगा अब हमारी शायरी? अरे हम सुनेंगे सरपंच जी। तो सुनो, आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। वाह वाह वाह। अरे आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। अरे आती होगी। है मुन्ना किधर गए हो? इधर गए हो? ये सूत्रा किधर गए हो? अरे अरे ये होगा ना सलवार मुन्ना। एक्सक्यूज मी, आज यार कौन सा है? इस साला पक्का अंग्रेज हो, हमारे देश पे फिर से कब्जा होने वाला हो, अब तो गांधी जी भी न रहे देश में। हेलो, आज साल कौन सा है? 1959। हे, डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम तुमका। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे हमारा नाम मुन्ना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पक्का हिंदुस्तानी हो? तुम इसको जानते हो? ये कहा है? अरे अरे, इसको जानते हो? ये को मेरा बिछुआ जानता है। कहाँ है आपका बिछुआ? उ रहा।
कहाँ है? अरे वो है तो सतबीरा जी बापू इंग्या हाँ बापू तुम इसकी जगह खेत में पुतला भी तो खड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ पुतला भी खड़ा कर सके हैं पर ई जिंदा आदमी खड़ा करने का योजना का पीछे एक ही कारण था कि बड़ा सा बड़ा जानवर खेतन से भाग सके और फसलें बची रहें और फसल बची भी बता रहे बता बची के ना। हाँ जी बची पर इस तरह से इसकी मौत हो सकती है धूप और गर्मी से। मरने दो लोंडा तो फिर पैदा कर लोगे पर ई फसल मर गए हो तो फिर पैदा ना होती। फसल बचे तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरे और ई का सुधीर तुमरा तो बस दो ही लोंडा मारो। दो ही तो था सरपंच जी। दो ही थे हेड साथ चला गया का भाग भोसरिया के का हो गया गुड्डू यो अब तो कोई काम का कुत्ता भी ना पूछ रहा है। इस छलावा का कुछ करना पड़ेगो। कहा गुड्डू कहा दिक्कत आ रही है सरपंच जी। गुड्डू भैया को ई गांव में जलवा खत्म। कुछ नहीं सरपंच जी गांव में कोनो हरे रंग का बवाल आया हुआ है। हाँ कहा हुआ उका? उका तो बहुत समय से देखा ही नहीं। तनिक जल्दी ढूंढो जाओ ढूंढो। सुनो रे सर तेरी बहन का भोसरा फिर से शायरी। भाग कबीरा शायरी सुनोगा का शायरी कल सुनाई सरपंच जी। ई का मतलब है कल को भी सुनाइयो आज भी सुनाइयो रोज सुनाइयो। दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह 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 वाह। दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह वाह वाह। कहां तक करोगे ऊ का पीछा? ऊ बेटी चौद किसी और की हो गई। वाह वाह का शायरी है का शायरी है यो। सुनो सुनो सरपंच जी। सुना रहे हैं ये देख रहे हो गांव में दीवाने हैं शायरी का। अरे हम सुनने ना सुनाने आए हैं। इरशाद जी सरपंच जी भग बहुत सरी आगे चल चल कचरा। अरे बहुत बड़ा बात हो गया। क्या हो गया? अरे वो हो गया है जो सरपंच जी से दो ही वर्ष में ना हो सको। हो जाएगा वो भी अभी ढाई वर्ष की दवाई चल रो फिर देखियो कैसे सांप के जैसा फन फना गो। हम गुप्त रोग का बात ना कर रहे सरपंच जी। तो ऊ खेत में सीमेंट से निकला गुलाब ऐतिहासिक किताब हर हल का जवाब सच हुए मेरे खाब खबरदार वफादार होशियार गली गैंग सबसे हाट परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार। बहुत अच्छा गा रहे हो किसने सिखाया? किसने का सिखाया हम खुद लिखे। गाओ पूरा गाओ। गली गैंग सबसे हाट परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार तू आके देख ले मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी मैं रहूं सारी रात इंदाबाद दारू पीऊं लगातार फोन रख लिया बट भूली ना हो तो चार्जर। के भूली ना तू चार्जर तेरे बाप ने भी चार्जर देखा इस जमाने में और क्या था रहूं इंदाबाद बेड़े में रहते हो भोसड़ी को तुमसे बेड़े सही से ना बनने। देखो ये डिवाइन ने लिखा और बता दो किसने तुम्हें सिखाया। भैया कोई नहीं सिखा रहा हमको हम खुद लिखे। जाओ माखन लाल। जी सरपंच जी। ये कमाला है सरपंच जी तो इंसानी ना है।
ई संभव ना हो सको। अब खेत में किसी को खड़े होने को जरूरत ना हो, ये हम भी लगवाएंगे अपने खेत में। बहुत सारी हो गए, ये कोई मेला लग रहा है, कुछ पता कितनी खतरनाक चीज हो सके, जो कोनो बम बम भी हो सके, गांव को उड़ाने की साजिश हो सके, ककाया सूझ गए या चमड़े गल को। ये ससुरा सरपंच पहले हमारे दो लड़का खा गए, अब ससुरा सतपिया के पीछे पड़ गए। पर सरपंच जी, फसल का रक्षा का का ये जिम्मेवारी हमारी पंचायत की है। आखन लाल, कितनी बार बोले हैं कि तुम हमारा बाया हाथ हो, बाई तरफ रहा करो। और ससुरा पता लगाओ ये किसकी साजिश हमारे खिलाफ करते हैं सरपंच जी। और हरिया, का हाल चाल? तो दूधिया लग रहा हो ना? अब तो चूतिया लग रहा हो, ये चल कर आ गाँव में। का पता? तनिक जल्दी पता लगाओ। जी सरपंच जी। माकन लाल योई का लग तो योई रिया भैया, तो धरो गणपति पे। अरे अब लग गई का भैया? कबीरा, पीछे से करो। हे भोसड़िया के, हमारे पीछे से नहीं, उका पीछे से हमला करो। तुमको क्या लगा था गुड्डू तुमको ढूंढ ना पाएगा? हे कबीरा, पकड़ो जरा। वाह कबीरा वाह, ओ तो ई बवाल है। अरे भैया ये कहा है? अरे भैया, अरे जो का आवाज है? होरन, हिरन, हिरन। कबीरा तुम देखो कहां बैठो है हिरन। अरे ए कबीरा, कहां होगा? हाँ जल गो। कैसे? अरे हिरन की गाल गरम हो रहा है। गुड्डू, गुड्डू छोड़ दो उका। ए मुन्ना निकल लो यहां से। ना गुड्डू, इने सब देख लियो है, ई का भी काम खत्म करना पड़ोगा पहले। नहीं, मुन्ना को छोड़ दो। नहीं मुन्ना, कौन जरूरत ना है तुमको रोने का, तुम बस हमारा नाम याद रखना मुन्ना। कौन है वे तू? तुझे पता ना गुड्डू कितना मारो? मुझे लगता नहीं था कि मैं अब कभी वापस जा पाऊंगा, हिम्मत हार गया था मैं, अकेला पड़ गया था। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं ना, वो अकेला नहीं पड़ा करते, ना हिम्मत हारते हैं। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा।
हमें कुछ जरूरी बात करनी है, हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। ना जी ना, इस गांव के सरपंच का लड़का है हम, पूरी बात जानने का अधिकार है हमारा। मैं गांडू चला जा। का बोले? गांडू चला जा। गांडू। ए मुन्ना भैया, का हाल है? मुन्ना ना बोलो हमको। तो का बोले? गांडू नाम है हमारो। बड़ा अच्छा नाम है, हम भी रखेंगे अपने लल्ला का। अच्छा मैं ये कह रहा था, वापस चलते हैं। मशीन कहाँ वाली? वो तो मुझसे खो गई यार। शिट यार शिट। ये है तो इससे कर लेंगे ना ट्रेवल। एक मशीन से सिर्फ एक बंदा ट्रेवल कर सकता। कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। अरे पकड़ो ससुरा को। ध्यान से माखन लाल, कभी जहर उगल दो मुंह से। यो ससुरा, मुंह से ना उगले है ये जानवर जहर, ये तो फन से उगले है। पहले फन ही दो वो जो। अरे ये तो भलान है। अबे इंसान है वो, तेंदुआ ना है भोसड़ी को। सरपंच जी, ई में आग लगा देते हैं। अरे थम जा, कतई फैसलो तो होन दे पहले, तू ही बन ले सरपंच। हटो वो सरिया के। चल ई रहा जानवर, ई ससुरे ने गांव में हड़दंग मचा रखो। ई के साथी को भी पकड़ेंगे, ऊ को भी मारेंगे। गांव की सुरक्षा के लिए कोना जोखिम ना उठाएंगे हम। ठीक है, फांसी दे दो सरपंच जी। ठीक है तो फिर ई को फांसी। सरपंच जी, कोनो जरूरत ना है फांसी का। अरे वो गांव का सरपंच पास वाले, वो स्कूटर पे घूमा है पूरा दिन, रोला है साल का, और तुम टांगों में टांगों मार तो कुत्तों की तरह घूमते रहो सड़कों पे। साला ना कोनो स्टैंडर्ड है, ना कोनो बातचीत है। अरे ये गाड़ी है, इसको सीखो, इस लड़के से सीखो। का नाम है तोरा? प्लीज टेल द रॉन्ग नेम। टोनी। इससे सीखो, रोला बनेगा पूरा गांव में तुम्हारा, वरना मर जाओगे कुत्ता की मौत। साला तुम्हारी औलाद मरेगी, तुम मरोगे साला भूखा नंगा। अरे कुछ बनो, कुछ करो। दूसरा तू ही है ना? पकड़ो। अब तो होगा फैसलो, अब तो लगा दे आग। धत ससुरा। सरपंच जी, का फांसी कब देनी है? क्यों? फैसलो बदल लियो हम। कितनी बार बताएं कि ई गांव में पढ़ाई लिखाई करनो मनो है, कोनो हाथ में दोबारा कागज कलम दिखो ना तो हाथ कलम कर देंगे। चलो रे। सरपंच जी, सरपंच जी, इका तो मत लेके जाओ सरपंच जी, सरपंच। भैया कोनो परेशानी है का? कहाँ से हो? इससे पहले तो हमने तुमको गांव में देखा नहीं। इनका किताब पढ़ने का शौक है ना? तुमको कैसा पता? अरे भैया लेना है का है? आओ तो आओ, कोने में को आओ, हम देंगे तुमको। लो लो भैया, लो जल्दी लो। पापा 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 पापा
पापा गंडी पापा हम किताब लाने पापा आपके लिए। कौन किताब? अरे भैया अरे पैसा वैसा कम हो तो बाद में दे देना। समझो पुरुषोत्तम, सरपंच जी ने फैसलो काहे बदलो है। सब समझ आ रहा साहब। का नाम है इस ससुर का? KTM। खत्म? हाँ खत्म। चलो रे। अरे बहुत सारी आके रोको रोको, उल्टी काहे चल रही है।